कीटनाशकी वो तेल बेस पे आती है ऑयली, तो ऑयल क्या होता है यहाँ पे ऊपर जम जाता है, पंप नीचे काम करता है, कीटनाशक जो दवाई ऊपर रह जाती है। तो ये घुलनशील भी है, जैसे एफसाइट डालेंगे ये उसको घुलाएगा अच्छी तरह से। ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें दोनों में देखो आप किसमें दवाई अच्छी से काम करेगी, इसमें और इसमें कलर में फर्क पड़ गया ना। जैसे आप दवाई कर डालोगे ना तो ये नीचे तक मारक क्षमता रहेगी और इस दवाई को मतलब झड़ने नहीं देगी। और ये दवाई अगर अपन साधारण करते हैं ना, चिपको वगैरह जो लाते हैं तो इसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं पान के ऊपर, तो ये बांझ बनकर रोग इसलिए होता है, पत्तों को चिपका देती है, सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये मेन मोटो ये है एफसीआईटी, इसके अंदर 80 प्रकार के क्रिया तत्व और 20% नॉन ऑयनिक सरपेंट टेंसर है जो कि पानी की सतह तनाव को तोड़ के दूर तक फैलाता है, और 80 प्रकार के क्रिया एक्टिव तत्व है जो सक्रिय हो जाते हैं जैसे अपन इसके अंदर मिश्रण करते हैं, है ना। हाँ, रिजल्ट देखने के लिए आप एक काम करना, इस एरिया में एफसीआईटी दे लेना एक अलग एरिया में, और जो आप जैसे करते हो वो करके देखना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसका। और इसका आपको अभी भी दिख रहा है, ये देखो इसके कलर में और इसके कलर में, ये है मेन मोटो इसका, है ना। और आप इसमें रासायनिक जहाँ आप दे इकट्ठा देते हो, रासायनिक करते हो तो यूज़ आप इस्तेमाल पूरा रासायनिक करते हो ना, ऑर्गेनिक कुछ नहीं। जहाँ एक कट्टा देते हो ना आप 20 किलो रासायनिक मिला के, मैं तरीका बताऊंगा आपको उस तरीके से खाद भी मिलता है, जैसे अपन डीएपी यूरिया चिपको को आप खाद में मिलते हैं ना, घर में मिक्स करके खरने को तो अलग इतना गजब रिजल्ट आएगा कि जो आप एक कट्टा काम कर रहा है ना वहाँ 20 किलो काम कर रहा है। जैसे अपन मक्का में दी थी लोग बना के, फिर अपन क्या करेंगे एक कट्टे की जगह 20 किलो लिया अपन ने, फिर 20 की जगह 10 किलो कर देंगे, फिर धीरे 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 अपनी खेती सही होने लग जाएगी मिट्टी, तो अपन रासायनिक को हटा देंगे, मतलब रासायनिक को कम करने हैं, खत्म नहीं करने हैं, एकदम खत्म करो तो फसल, क्योंकि अपनी खेतों की लत पड़ गई है यूरिया की रासायनिक, तो उसको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा वो। तो ये है साहब।